ये खबर है 17 मई 2019 की। ढूढरा गांव के रहने वाले किसान यशपाल सिंह सुबह पानी पटाने के लिए खेत पहुंचे। यूं तो वो हमेशा खेतों में पानी पटाने के लिए जाया करते थे, लेकिन किसी कारण बस पिछले कई दिनों से वो खेत नहीं जा सके थे। सुबह का पहर चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। यशपाल सिंह अपने काम में व्यस्त थे। अचानक उन्हें किसी बच्ची की सिसकियों की आवाज सुनाई दी। कुछ पल के लिए यशपाल सिंह को समझ नहीं आया कि हो क्या रहा है, लेकिन जब लगातार सिसकियों की आवाज आती रही तो यशपाल सिंह ने खेत जाकर मामले की पड़ताल करने की सोची। जब मौकाए वारदात पर यशपाल सिंह पहुंचे तो वहां का जो मंजर था वो किसी भी फौलाद जैसे दिल रखने वाले इंसान को जमींदोज करने के लिए काफी था। सामने एक महिला का शव पड़ा हुआ था। शव के ऊपर चाकू और धारदार हथियारों से कई बार वार किए गए थे। इतना ही नहीं, कातिलों ने लाश के ऊपर तेजाब डालकर जलाने की कोशिश भी की थी। लाश के बगल में 1.5 साल की बच्ची घायल पड़ी थी। सर पर गहरे घाव थे। बच्ची के मुंह से बस सिसकियों की आवाज निकल रही थी। हालत देखकर लग रहा था मानो पिछले कई दिनों से वो बिना खाए पिए घायल अवस्था में वहां पड़ी हुई थी। बच्ची के हाथों पर कीड़े घूम रहे थे। देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी जानवर ने उसे घायल कर दिया हो। यशपाल सिंह, यहाँ जे के नाम सुबह जे के नाम आदमी खेत में अपना काम करने के लिए आए तो उन्होंने एक डेड बॉडी देखी जो जिसके ऊपर तेजाब पड़ा हुआ था और उसके पास में एक बच्ची भी थी। बच्ची जीवित थी, वो अस्पताल में पहुँचा दी और उसके नाम ये पुलिस ने ये डेड बॉडी सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। भगवान की बनाई इस दुनिया में इंसानों के ऐसे कारनामे को देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। डॉक्टरों की माने तो महिला को 3 से 4 दिन पहले ही मौत के घाट उतार दिया गया था। साथ ही बच्ची को वही लाश के पास छोड़कर दरिंदे वहां से भाग निकले। लगातार 3 दिन तक बच्ची उस खेत में भूख, प्यास और जानवरों के आक्रमण से कैसे बचती रही, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्षेत्र गांव पड़ता है डोडरा, वहां सुबह ग्राम प्रधान ने सूचना दिया था थाने को कि गन्ने खेत में एक डेड बॉडी पड़ी है महिला की और उसके साथ में एक छोटा बच्चा भी है। इस पर प्रभारी निरीक्षक बड़ौत और मैं फोर्स के साथ मौके पर गए थे तो गन्ने खेत में एक मृत लेडीज का डेड बॉडी मिला था। करीब 50 मीटर दूर एक बच्ची थी जो सांस उसकी चल रही थी। फिर इन लोगों ने सुबह बच्ची को एम्बुलेंस ले आकर हॉस्पिटल में एडमिट कर जिसका इलाज चल रहा है। बच्चे की उम्र करीब 2 साल है और बचने की पूरी संभावना है और डेड बॉडी को पंचायत नाव भर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हमारे चलिए अब तो कुछ कहानी ऐसा जाँच के विषय है, जहाँ से पता चलेगा कि किसी परिजनों ने मारा है कि क्या मामला है और बाकी हम इसको जाँच कर रहे हैं, जो सही होगा उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, लेकिन अब तक बच्ची या उसके परिजनों का कोई अता पता नहीं मिला है। मिल रही जानकारी के मुताबिक एक लेडी कांस्टेबल बच्ची का ख्याल रख रही है। इस पूरी घटना को देखते हुए एक बार आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, आखिर हो क्या गया है इंसान को। बना हाड़ मांस का है लेकिन दिमाग मशीन और दिल पत्थर का हो गया है। मानवीय संवेदनाएं मर रही है। दिमाग के पास न सोचने का वक्त है न दिल के पास समझने का। दूसरे की जिंदगी इस कदर सस्ती हो गई है कि इसे खत्म करने तक में गुरेज नहीं हो रहा। किसी की जिंदगी बचाने की बात आ जाए तो मानवीय संवेदनाएं नहीं जगती, क्योंकि जगते तो वो हैं जो जिंदा होते हैं। लेकिन इस बच्ची को देखकर एक बात तो साफ हो गई है, जाकुरा के साइया मार सके ना कोई।